आंखों में झांकते हुए कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। टीना के मना करने के बाद वो आदमी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों ने टीना को असहज कर दिया था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये आदमी फ्यूचर में भी उसका पीछा करता रहेगा। गुनीत वाला मामला इतने जोर शोर से उठा था, लेकिन लगता है कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिपोर्टर ने कहा। टीना बस मुस्कुरा कर रह गई। अक्सर जब वो किसी से बात नहीं करना चाहती तो इसी तरह से इग्नोर कर देती है। इसके बाद टीना जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। टीना ने अनुमान लगाया कि उस आदमी ने रणविजय का चेहरा नहीं देखा होगा और उसे RR इंटरनेशनल में चल रही प्रॉब्लम का भी कुछ पता नहीं होगा। प्लेन में भी वो रिपोर्टर टीना के तिरछे में स्थित सीट पर बैठा था। उसने अपनी आंखों पर मास्क चढ़ाने से पहले टीना को कुछ अजीब सी नजरों से घूरा। हालांकि उस आदमी ने रणविजय को साफ तौर पर देखा नहीं था, लेकिन जब टीना ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे सब कुछ नॉर्मल नहीं लगा। कुल मिलाकर टीना के बारे में कुछ भी बड़ी न्यूज निकालना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो बहुत सावधानी से रहती थी। लेकिन अगर कोई कुछ ढूंढना ही चाहे तो जरूर कोई ना कोई बड़ी न्यूज उसे मिल जाएगी, और इस बार शायद वो आदमी टीना की किसी बिग न्यूज के बेहद करीब था। यहाँ प्लेन में वो बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टीना वाकई में काफी असहज महसूस कर रही थी। उस आदमी की उपस्थिति टीना को बहुत परेशान कर रही थी। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुंबई में लैंड करने के बाद उसने तुरंत ही रणविजय को मैसेज किया। रणविजय, हमें किसी ने साथ में देख लिया है। एयरपोर्ट पर मुझे एक रिपोर्टर मिला था, मुझे उसकी बातें काफी अजीब सी लग रही हैं। रणविजय तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकला था। टीना का मैसेज पढ़ने के बाद उसने रिप्लाई किया, तुम अपने काम पर फोकस करो, मैं देखता हूँ कौन है ये। तुम वापस कब आओगे, टीना ने पूछा। मैं श्योर नहीं हूँ अभी। ये मैसेज देख टीना को थोड़ा दुख हुआ। वो मैसेज में आई मिस यू लिखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि रणविजय अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो, इसीलिए उसने बात बदल कर लिखा। आई विल वेट फॉर यू। रितिका उसे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आई हुई थी। टीना कुछ उदास सी लग रही थी। उसे पता था कि रणविजय से दूर होने की वजह से ही टीना उदास लग रही है। मैंने न्यूज में RR इंटरनेशनल के बारे में सुना, रणविजय सर ठीक है? ठीक है, टीना ने बेमन से जवाब दिया। गाड़ी चलाते वक्त रितिका आगे के शीशे में टीना का चेहरा देख रही थी। उसने टीना से कहा, टीना तुम बहुत उदास दिख रही हो, यहाँ तक कि जब तुम प्रणय के साथ थी तब भी इतनी उदास कभी नहीं दिखी थी। तुम रणविजय सर से बस कुछ दिन के लिए दूर हुई हो, दुनिया नहीं खत्म हुई है। टीना ने अपना सिर हिलाते हुए स्वीकार किया, मुझे लगता है कि मैं रणविजय से प्यार करने लगी हूँ। वो तुम्हारे हस्बैंड हैं, उन्हें प्यार करना तुम्हारा हक है, लेकिन वो क्या फील करते हैं तुम्हारे बारे में? रितिका ने टीना का एक्सप्रेशन देखा। उसे महसूस हुआ कि रणविजय के इतना प्यार के बावजूद भी टीना थोड़ी इनसिक्योर हो रही है। उसने टीना से कहा, टीना तुम्हें और रणविजय सर को साथ में रहते हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। अगर ऐसी सिचुएशन में रणविजय सर तुम्हारे साथ प्रणय जैसा व्यवहार कर दे तो क्या तुम उसे हैंडल कर लोगी? टीना कुछ देर के लिए शांत रही। वो रणविजय के साथ पीते हुए पलों को याद करने में डूब गई थी। अब मैं पुरानी टीना नहीं रह गई हूँ, दोबारा से प्रणय जैसा आदमी मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकता। रणविजय पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं मरते दम तक उसके साथ खड़ी रहूंगी। वैसे रितिका तुम थोड़ा ध्यान देना, एयरपोर्ट पर जब मुझे रणविजय छोड़ने आया था तो एक रिपोर्टर ने हमें साथ देख लिया था। तुम क्या कहना चाहती हो? रितिका बहुत शॉक्ड हो गई। अचानक ही उसने गाड़ी के ब्रेक पर पैर टिका दिया। अगर मेरा और रणविजय का रिलेशनशिप एक्सपोज भी होता है तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान देना, टीना ने सीरियस होते हुए कहा। अच्छा फिर चलो, पहले डायमंड स्टार्स चलते हैं, तुम रतन सर से मिलो। टीना ने हाँ में सिर हिलाया और फिर गाड़ी में रेडियो को ऑन कर दिया। अब एंटरटेनमेंट न्यूज में गुनीत की जगह RR इंटरनेशनल के एक्टर्स की न्यूज चल रही थी। न्यूज सुन टीना का मूड फिर थोड़ा ऑफ होने लग गया। ये देख रितिका ने चैनल बदल कर कोई म्यूजिक चैनल लगा दिया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? RR बहुत बड़ी कंपनी है और रणविजय सर आसानी से इसे हैंडल कर लेंगे, टीना ने उदास होते हुए कहा। जब तुम किसी इंसान की चिंता करते हो ना तो वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें उसकी फिक्र होती ही है। रितिका चुप ही रही। थोड़ी देर में दोनों रतन सिंघानिया के घर पहुंच गए। वहां अंशुमन भी पहुंच गया था। आज पहली बार टीना और अंशुमन एक दूसरे के सामने खड़े थे। गुनीत वाले इंसिडेंट की वजह से टीना की नजर में उसकी इमेज खराब ही बनी हुई थी, सो वो उससे कुछ भी बोलने की शुरुआत नहीं कर रही थी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सीक्रेट ही है, इसीलिए मैंने यहाँ घर पर मीटिंग के लिए तुम्हें बुलाया है, प्लीज डोंट माइंड, रतन ने टीना को कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहा।
अच्छा अंशुमन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं काम तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरे पर्सनल मैटर में कोई दखल नहीं देंगे। अंशुमन सोफे पर बैठकर टीना की बातें सुन रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और टीना के करीब आकर खड़ा हुआ, फिर बोला, ओके, मैं काम करूंगा आपके साथ। आई होप तुम ईएच वाली गलती दोबारा नहीं करोगे, टीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये सुन अंशुमन हंस पड़ा। उसने कहा, डोंट वरी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखो टीना, डायमंड स्टार्स ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। उधर सुनिधि और नमन दोनों का ही टॉप ग्रेड की मॉडल्स पर कंट्रोल है, सो तुम्हें अपने लिए काम ढूंढने के लिए भी उनसे लड़ना पड़ेगा, रतन ने टीना से कहा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अंशुमन बीच में ही बोल पड़ा। तुम उन्हें संभाल लोगे, रतन ने कहा। बस आप आराम से बैठो और देखो, अंशुमन ने जवाब दिया। फाइन, मैं एक ग्रैंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और उसमें तुम ही टीना की ज्वाइनिंग अनाउंस करोगे, रतन ने अंशुमन से कहा। दरअसल नमन और सुनिधि की वजह से रतन खुद कंपनी पर ज्यादा अधिकार नहीं जमा पा रहे थे, लेकिन अब टीना और अंशुमन के आ जाने से वो उन दोनों को कंट्रोल में लाने का काम कर सकेंगे। सही मायने में नमन और सुनिधि के साथ उनकी ऑफिशियल लड़ाई अब शुरू हुई थी। ओह हाँ टीना, तुम इस वक्त किसी रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना, रतन ने टीना से पूछा। किसी भी आर्टिस्ट के लिए अपनी कंपनी या एजेंसी को ये सब जानकारी देना जरूरी होता है, ताकि अगर बाद में कोई बात हो भी तो भी कंपनी आर्टिस्ट के सपोर्ट में खड़ी रहे। टीना थोड़ी असहज हो गई। अंत में उसने ईमानदारी से कहा, हाँ मैं हूँ रिलेशनशिप में। रतन सन रह गए। उन्हें लगा कि वो अभी तक टीना को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अगर तुम एक्सपोज हो गई तो क्या करोगी? टीना, तुम वैसे ही प्राइम मॉडलिंग एज क्रॉस कर चुकी हो, अब तुम इस तरह के कोई स्कैंडल नहीं झेल सकती। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा था कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है? और दूसरी बात, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि लवर है, परिवार है मेरा। चलो छोड़ो उसे, रतन थोड़े रिलैक्स होते हुए बोले। अंशुमन, तुम ये बात बाहर मत आने देना। लाल हो उठी। दोस्तों, रिस्पॉन्स नहीं किया। अंशुमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं करूंगा जो मुझे करना चाहिए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लूंगी, इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, टीना ने सीरियस होकर कहा। रतन ने कुछ सोचते हुए टीना की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ओके, फिर अब इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोगों ने RR इंटरनेशनल के बारे में सुना है? वहाँ के दो एक्टर्स को चोट लग गई है, कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, रतन ने ग्लास में रेड वाइन निकालते हुए कहा। RR का नाम सुनते ही टीना के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन वो यहाँ कुछ कर नहीं सकती थी। उसने रतन के दिए हुए वाइन ग्लास को उठा लिया। अच्छा टीना, ईमानदारी से बताओ, तुमने कभी RR इंटरनेशनल ज्वाइन करने का मन बनाया है? रतन का ये सवाल सुन रुतिका जोर से हंसने लगी, लेकिन वो किसी तरह अपनी हंसी रोक कर खड़ी रही। टीना तो उस कंपनी की मालकिन है, वो भला वहां जाने के बारे में क्यों सोचेगी? RR इंटरनेशनल कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां सिर्फ मैं सोच लूंगी और चली जाऊंगी। टीना जानती थी कि रणविजय का मैनेजिंग स्टाफ कितनी सीरियसली बिजनेस हैंडल करता है। उस कंपनी के लिए टीना जैसी मॉडल ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सच कहूं तो मैं खुद कभी RR इंटरनेशनल में जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं सका, इतना कहकर रतन हंस पड़ा। रितिका और टीना भी एक दूसरे को देख हंस पड़ी। मीटिंग खत्म होने के बाद अंशुमन भी टीना के साथ चल पड़ा। कहाँ रहती हो तुम? लॉर्ड्स रेजेंसी, टीना ने जवाब दिया। फिर अंशुमन को गाड़ी स्टार्ट करते देख वो बोली, तुम भूलना मत, तुमने मुझसे अभी क्या प्रॉमिस किया था, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। आपको खुद के लिए कोई गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, अंशुमन ने जवाब दिया। और आप इससे निश्चिंत रहिए कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। नमन और सुनिधि को रास्ते पर लाना इतना आसान नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उन दोनों ने मिलकर टीना के खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है, टीना को परेशान करना इतना आसान है? रितिका बीच में ही बोल पड़ी। टीना की इसी स्ट्रेंथ की वजह से अंशुमन उससे बहुत प्रभावित हुआ था। नमन और सुनिधि की इतनी कोशिश के बाद भी टीना को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। टीना ने अंशुमन के पुराने रिलेशनशिप के बारे में सुना था और उसे ये भी पता था कि पहले सुनिधि भी अंशुमन की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर उन दोनों के बीच क्या हुआ सिर्फ वही जानते हैं। खुद को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी के लिए अच्छे से तैयार करो। टीना खुद को हमेशा तैयार रखती है, सुनिधि के साथ ही वो नमन को भी जरूर सबक सिखाएगी। सुनिधि के साथ ही वो नमन को भी जरूर सबक सिखाएगी। ऐसे आसानी से दोनों को नहीं जाने देगी। घर पहुंचने के बाद टीना लिविंग रूम में अकेले बैठी हुई थी।
उसे रणविजय की याद आ गई। तुरंत ही टीना ने रणविजय को फोन करना चाहा, लेकिन फिर वो रुक गई। उसे याद आया कि इस वक्त वो अमेरिका में रात के 2 बज रहे होंगे, लेकिन तभी रणविजय का मैसेज आ गया, तुम घर आ गई। टीना का दिल खुशी से भर उठा। तुम्हें रितिका ने बताया क्या? हाँ, मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, सो मैं रितिका से सारी डिटेल ले रहा था। टीना मुस्कुरा पड़ी। उसने तुरंत ही रणविजय को फोन कर दिया। मैंने RR इंटरनेशनल की न्यूज देखी, क्या हुआ, कुछ बात बनी? हाँ, सॉल्व हो गया सब, रणविजय ने आराम से जवाब दिया। तुम वापस कब आओगे? टीना ने कहा। कुछ और लोगों से मिलना है, उसके बाद आऊंगा। रणविजय कुछ थका हुआ नजर आ रहा था। आई मिस यू। टीना थोड़ी असहज हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कह दिया। ये शब्द सुनकर रणविजय को भी टीना की याद आ गई। वो टीना को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, उससे टीना के बगैर रहा नहीं जा रहा था। सो उसने तुरंत ही रौनित को फ्लाइट बुक करने का ऑर्डर दिया और बोला कि आगे का काम SN हैंडल कर लेगा। रणविजय किसी भी मैटर को बहुत तेजी से सॉल्व करता है, इसीलिए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर वो राज करता है। प्रोडक्शन में लगने वाले पूरे पैसे का आंकलन करने के बाद उसने प्रोडक्शन का काम खुद के हाथ में ले लिया, और फिर जो स्टाफ उस इंसिडेंट के जिम्मेदार थे उन्हें क्रू से बाहर कर दिया। इसके बाद प्रोडक्शन कंपनी को ही लीगल नोटिस भेजकर इंजर्ड हुए एक्टर्स के लिए हर जाने की मांग कर दी। दिन भर व्यस्त रहने के बाद उसे थोड़ा आराम करने का वक्त मिला था, तभी रितिका ने उसके पास फोन करके कहा, सर आपकी वजह से टीना काफी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। क्या मतलब? रणविजय को समझ नहीं आया रितिका क्या कहना चाह रही है। क्या आप जानते हैं, जब से टीना US से वापस आई है उसका दिमाग कहीं और है, और फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम दूसरी बार भी धोखा खाने से डरी हुई हो, तो पता है उसने क्या कहा? रितिका ने रणविजय को चिढ़ाते हुए कहा, आखिर उसे ऐसे मौके बहुत कम बार ही मिलते हैं। क्या कहा? रणविजय ने पूछा। आप खुद ही उससे पूछ लीजिए, रितिका ने ये कहकर फोन रख दिया। रणविजय परेशान हो गया। सही मायने में तो वो खुद टीना से दूर होने की वजह से काफी डिस्ट्रैक्ट था। रितिका का फोन कटते ही उसने दोबारा टीना को मैसेज करा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुम प्लीज बताओ तुमने रितिका से क्या कहा है। उसका मैसेज देख टीना थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे याद आया कि वो तो रितिका से सिर्फ यही कह रही थी कि वो रणविजय से प्यार करने लगी है। ओ, लग रहा है रितिका ने कुछ कहा है। टीना शर्म के मारे लाल हो गई। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक जैसे ही सोच रहे हैं। रणविजय समझ गया कि टीना नहीं बोलना चाह रही, सो उसने ये कहकर बात को पलट दिया। तुम क्या सोच रहे हो? टीना ने कहा। मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा, मुझे अभी यहाँ 1 हफ्ते और रहना पड़ेगा। टीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब रणविजय का जवाब सुनने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। एक बार फिर से टीना दुखी हो गई। रणविजय ने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। उसने टीना को सोने के लिए कहा और टीना भी काफी थकी हुई थी, वो रणविजय के तकिए को अपने सीने से लगाकर सो गई। अगले दिन सुबह ही अंशुमन टीना को पिक करने के लिए उसके घर आया। उसने टीना के लिए एक टॉप लेवल की मैगजीन के लिए फ्रंट कवर शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। जैसे ही टीना सीढ़ी से उतरकर नीचे आई, उसे दरवाजे पर कुछ शोर सुनाई पड़ा। नीचे उतरकर जैसे ही उसने देखा, वो शॉक्ड रह गई, जैसे उसका सपना सच हो गया था। रणविजय उसके सामने बाहें फैला कर खड़ा था। टीना भागते हुए उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। आई मिस यू, आई लाइक यू, शायद आई लव यू, रणविजय ने कहा और टीना के माथे पर किस कर लिया। रणविजय की बात सुन टीना अवाक रह गई। मैंने कहा था ना, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। टीना ने खुद को रणविजय से दूर कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। यहाँ तक कि जब उसे प्रणय से धोखा मिला था, तब भी वो इतनी इमोशनल नहीं हुई थी। टीना, मैंने ये सिर्फ एक बार ही कहा है, क्योंकि आज से मैं ये कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। चलो एक दूसरे को किस करके इसकी शुरुआत करते हैं। अगर तुम मेरे प्यार का एहसास कर सकती हो तो मुझे अपने किस से ये फील करवाओ। टीना ने अपना सिर नीचे किया और कुछ पल सोचने के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया, रणविजय के गले में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींचा और फिर बड़े प्यार से उसे किस करने लग गई। लौट के आ जाने से मानो टीना की जान में जान आ गई हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में तब तक चिपके रहे जब तक कि अंशुमन ने दोबारा आवाज लगाकर टीना को नहीं बुलाया। जाओ जल्दी, मैं भी फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकलूंगा, रणविजय ने कहा। टीना ने अपना सिर हिलाया और फिर वहां से चली गई। रणविजय के आ जाने से उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई। भले ही टीना प्रणय के साथ कई सालों तक रही थी, लेकिन कभी उसके लिए इतना इमोशनल नहीं हुई थी। रणविजय के साथ होने पर टीना को एक अलग तरह के सुखद अनुभव का एहसास होता है। लॉर्ड रेजेंसी के बाहर बने वेटिंग रूम में अंशुमन बैठकर टीना का वेट कर रहा था। अब क्योंकि टीना डायमंड स्टार्स की ऑफिशियल मॉडल हो चुकी थी,
सो अब उसे उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी दी जा रही थी। टीना को बाहर आते देख अंशुमन ने दौड़कर उसे कवर किया और गाड़ी में ले जाकर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद करते ही उसने टीना से कहा, टीना तुम जानती हो ना कि तुम्हें टॉप सुपर मॉडल बनना है, तो तुम्हें इस हिसाब से मेहनत भी करनी होगी। इस तरह से प्यार और दोस्ती के चक्कर में पड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया ना, तो अब तक तुमने जो कुछ हासिल किया है ना, सब कुछ झटके में खत्म हो जाएगा। टीना समझ रही थी कि अंशुमन इसलिए चिंता कर रहा है क्योंकि वो पहले इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका है और वो दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहता है। फिर भी टीना ने कहा, बाहर तो बहुत सी ऐसी मॉडल हैं जो परिवार और बच्चों के साथ रहती हैं, फिर भी रैंप पर वॉक करती नजर आती हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिस इंसान को छुपा रही हैं, उसकी पावर कितनी है, वो है कौन। वैसे अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तो फिर मेरी बातों को इग्नोर कर देना। टीना कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ उसी इंसान की वजह से इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो क्या आपको लगता है कि एक मॉडल बनने के लिए मैं उसी इंसान से दूरी बना लूंगी? बेशक मैं मॉडल बनने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन उस इंसान को कभी नहीं। गाड़ी में थोड़ी देर सन्नाटा रहने के बाद अंशुमन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो हम लोग अभी हर विजन के एडिटर के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और मैंने उनके नवंबर के एडिशन के लिए तुम्हारे फ्रंट कवर के फोटोशूट की बात की है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पर तुम्हारे टॉप ग्रेड के मॉडल बनने के लिए। काम की बात सुन टीना ने जवाब दिया, मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं सब करूंगी। इस वक्त तुम्हें डायमंड स्टार्स के मॉडल से कम्पीट करते हुए चलना होगा। दो मॉडल सुनिधि के अंडर में है और तीन मॉडल नमन के अंडर में है, लेकिन उन दोनों के पास सिर्फ एक एक मॉडल ऐसी है जिनसे तुम्हें खास तौर पर सावधान रहना होगा, वो तुम्हारी कई अपॉर्चुनिटी छीन सकती हैं, अंशुमन ने टीना को बताया। कोई बात नहीं, इसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि सुनिधि भी अपने मॉडल्स के लिए हर विजन में जॉब ढूंढ रही हो। अंशुमन ने तो अंदाजा लगाते हुए ये बात कही थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सुनिधि पहले से ही अपने एक मॉडल के साथ वहां पहुंची थी। अंशुमन ने टीना को गाड़ी से बाहर आने के लिए मना कर दिया और पहले खुद निकलकर सुनिधि के पास पहुंच गया। सुनिधि को रास्ते में रोकते हुए उसने कहा, क्या ऑडिशन के लिए अपने मॉडल को ले आई हो? मुझे ऑडिशन की जरूरत नहीं है, हर विजन का एडिटर मेरा दोस्त है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऑडिशन देने आए हो क्या? रतन सर ने तुम्हें अभी कोई मॉडल अलॉट नहीं की क्या? लग रहा है पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत पहचान बना ली। लग रहा है मेरा काम छीनना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहा। मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो, इतना कहकर सुनिधि अपने मॉडल के साथ वहां से जाने लगी, लेकिन अंशुमन ने उसे रोक लिया। भगवान सभी का हिसाब करेंगे। सुनिधि अंशुमन को घूरते हुए अपनी मॉडल के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही सुनिधि वहां से गई, अंशुमन ने तुरंत गाड़ी के पास वापस जाकर टीना को बाहर निकलने के लिए कहा, तुम चलो अब ऑडिशन देना है हमें। लेकिन अगर सुनिधि ने पहले ही नवंबर का फ्रंट कवर रिजर्व कर लिया होगा तो चलो कोई बात नहीं, हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, अंशुमन ने हंसते हुए कहा। उन दोनों ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, मेरा भी तो कुछ छीनने का हक बनता है ना। टीना चुपचाप गाड़ी के अंदर से ही सुनिधि को जाते देख रही थी। उसने सुनिधि की गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की तो पता चला उसके साथ यहाँ गुनीत आई हुई है। इधर पिछले कुछ दिनों से RR इंटरनेशनल की न्यूज की वजह से गुनीत की न्यूज थोड़ी दब गई थी, लेकिन सुनिधि गुनीत को लेकर यहाँ क्यों आई थी? अंशुमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मैं सुनिधि को अच्छे से जानता हूँ, वो खुद की कंपनी खड़ी करने का प्लान बना रही होगी। इस वक्त वो गुनीत को अपने साथ इसलिए लेकर घूम रही है क्योंकि वो सोच रही है कि फ्यूचर में गुनीत उसके बहुत काम आ सकती है, और गुनीत बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, इसीलिए चांस भी है कि वो इसमें सफल हो जाए। टीना ने अंशुमन की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इसके बाद दोनों हर विजन के ऑफिस में दाखिल। और एडिटर के सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी ने अंशुमन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, सॉरी मिस्टर चक्रवर्ती, एडिटर को किसी काम के लिए अर्जेंट। झांकते हुए कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
टीना के मना करने के बाद वो आदमी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों ने